बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर ऑनलाइन है, लेकिन ऑनलाइन भी इस तौर पे के ऑफलाइन वर्जन ऑफ ऑनलाइन है, क्योंकि हमारे यहाँ भी कल सारी रात बिजली नहीं थी, तो उसकी वजह से बिजली का कोई भरोसा नहीं, तो ऐसा ना हो कि लेक्चर रह जाए। इसलिए मैंने ये बेहतर यही समझा कि इसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँ। टाइम इंशाल्लाह 3 बजे ही अपलोड हो जाएगा लेक्चर ये, तो ये कि उसी टाइम स्लॉट के अंदर आप लोग देख सकेंगे, आपको अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था नून सकीला का कानून, कि नून सकीला क्या होता है। तो नून सकीला में हमने ये कहा था कि कभी कभी हम क्या करते हैं, कलाम में ज़्यादा एम्फेसिस के लिए, ताकीद के लिए, शुरू में लाम ताकीद फ़िले मुजारे के, और आखिर में जो है ये शद वाला नून। नून सकीला का मतलब है भारी नून, तो शद में चूँकि वज़न ज़्यादा होता है, इसलिए शद वाले हरफ को सकील और मुसक्कल हरफ भी कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप कभी देखेंगे जी वो हरफ बड़ा सकील है, तो उसके दो मतलब होते हैं, एक तो एक वैसे ही बड़ा भारी है ज़ुबान पे, और दूसरा है कि उसके ऊपर शद है, इसी वजह से वो उस लफ्ज़ की अदायगी ज़रा थोड़ी सी भारी हो जाती है, ठीक है। इसको हरफ मुसक्कल भी कहते हैं, हरफ मुसक्कल उस हरफ को कहते हैं जिसके ऊपर शद होता है, ठीक है। तो होता ये सिर्फ फ़ेल मुजारे के साथ नहीं लगता, बल्कि ये अमर के साथ भी लग सकता है, ठीक है ना। अब हमारे सामने चार मसादिर हैं, इन मसादिर से आपका ये काम था कि आपने इसको नून सकीला लगा कर लिखना था, ठीक है, फ़ेल मुजारे मालूम की गर्दानों को। तो खौफ़ुन, बैउन, तूलुन और तवलुन, इनको हम पिछले 2-3 हफ्तों से इन्हीं मसादिर को देखते आ रहे हैं, क्योंकि अजवफ़ में हमारे पास ये 3-4 तरह के पैटर्न काफ़ी इस्तेमाल होते हैं। तो पहले हम दे लगते हैं खौफ़ुन के। खौफ़ुन की जो गर्दान है वो क्या थी, या खाफू, या खाफानी, या खाफूना। तो हमें अगर कवानीन की तरफ निगाह दौड़ाएँ नून सकीला के, तो नून सकीला का माँ कबल होता है मफ्तू, ठीक है। तो ये हो जाएगा ला या खाफन्ना। फिर हमने ये पढ़ा था कि नून जो नून अराबी होता है वो गिर जाता है, तो या खाफानी का नून तो गिर जाएगा और नून सकीला लग जाएगा, लेकिन चूँकि अलिफ़ के बाद नून सकीला लगा है, तो इस नून सकीला के ऊपर ज़बर नहीं बल्कि ज़ेर आएगी, तो ला या खाफानी, ठीक है। और तीसरी चीज़ हमने ये कही थी कि अगर अलिफ़ के अलावा कोई और मद्दा होगा तो वो हज़फ हो जाएगा, जैसे ला या खाफूना, तो ये लाया खाफून ना, ये नून तो हट गया था, उससे कहा नून मुशद्दद आ गया, तो अब ये वाओ और नून, नून तो मुशद्दद था इसलिए उसके अंदर पहले साकिन की आवाज़ आ रहा, वाओ वैसे ही साकिन था, तो इस वजह से हमने कहा था कि ऐसे इज्तमाई साकिनैन में ऐसे मद्दा को हम यहाँ पे हटाएंगे जो वाओ मद्दा हो या मद्दा हो, अलिफ मद्दा को हम नहीं हटाते हैं, तो ये बहुत आसान सा बन जाता है, इसी के मुताबिक बाकी सारे सीखे भी बन जाते हैं। तो लाया खाफन्ना, लाया खाफानी, लाया खाफुन्ना, इसी तरह लतखाफन्ना, लतखाफानी, और ये जो लफ्ज़ है छठा और इसी तरह फिर बारवां, इसके अंदर आपको पता है आखिरी वाला नून हटता नहीं है, कि नून अराबी नहीं है, ठीक है ना। तो लफ्ज़ था यखफ़ना, तो शुरू में लगाया लाम तो ला यखफ़ना, और आगे अलिफ नून, इसमें अलिफ इसलिए लगता है कि 3 नून इकट्ठे नहीं हो सकते, इसलिए ला यखफ़नानी बन जाता है, ठीक है। तो बाकी गर्दान भी इन्हीं की तरह है, तो आसान है। बा आ यबीउ में भी इसी तरह आप देख सकते हैं, ला यबीअन्ना, ला यबीअन्नी, ला यबीअन्ना, बिल्कुल उसी तरतीब से इसी के चल रहे हैं। छठा इसमें भी ऐसे ला यबीअन्नानी, ठीक है ना, बाकी उसी तरह थे। अगर यहाँ कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पिछले हफ्ते का सबक देखिएगा कि उसमें नून सकीला को किस तरह हैंडल किया गया है, देखने से समझ आएगा, फिर आप एक उसकी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ गलत होगा आप उसको कंपेयर करेंगे, थोड़ा बहुत आएगा समझ में, हत्ता कि आप उन एग्जांपल्स को कम से कम मास्टर कर लें जो कि लेक्चर के अंदर थी। अगर आप उसको मास्टर कर लें, इसका मतलब एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो गई है, उसके बाद आप नए हरूफ पे इसको ट्राई करें, और कोई मसला हो तो फिर उसको पूछें, ठीक है ना। तो थोड़ा सा होमवर्क करें इसमें, ठीक है, क्योंकि अभी तो टाइम बहुत थोड़ा रह गया, जहाँ तक मेरी मालूमात है सिर्फ ये आखिरी 3 हफ्ते चल रहे हैं, इसके बाद इम्तिहान होगा, तो ये आखिरी 3 हफ्ते जो चल रहे हैं, तो सबक इसलिए मैंने समझे आज रोक देना, ठीक है। आज कोई ऐसा खास नया सबक नहीं पढ़ना, एक बहुत पहले से कानून लिखा हुआ था जिसको मैं 3-4 हफ्तों से पढ़ाना चाह रहा था, लेकिन पढ़ा नहीं पा रहा था, बस उसी को बता दूँगा। बड़ा आसान सा कानून है, कोई इतना बड़ा उसमें मसला नहीं है, और ना ही कोई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली वो चीज़ है, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए है।
ठीक है। तो असल ये चीज़ें हैं जो चल रही हैं, गर्दाने बनाना, उनके अंदर अल्ट्रेशन करना और सीखों को हल करना, ये असल काम है जो हमारे सरफ के मजमून का है, ठीक है ना। तूल उन को भी देख लें, ये लयतूलन्ना बिल्कुल उसी तरतीब से सब कुछ चल रहा है। और खाफा या खाफों की तरह ताला या तालू, ये उसी तरह से चलेगा जिस तरह या खाफों की गर्दान थी उसी तरह या तालू की भी गर्दान आएगी, बिल्कुल सेम, बिल्कुल एक ही पैटर्न के ऊपर। अब हम उन सीगों को देख लेते हैं जिनको हमने पिछले हफ्ते हल करने के लिए कहा था, ठीक है ना। इन सीगों में हमारे पास माजी के भी हैं, मुजारे के भी हैं और अमर के भी सीगे, ठीक है ना। फेले माजी के सीगे हमारे पास कौन से हैं? सदत्तुम, कुंतुम, सबरू, कानू, और कानू दोबारा आ चुका है, क़रअता, आमनू, बदलना, नज़लहू, आमनू। कुछ सीगे तो ऐसे देखें जो पहले भी कई दफ़ा गुजरे हैं, लेकिन उनको करने में यह होता है कि अगर हमेशा आप नए सीगे ट्राई करेंगे ना तो उसमें गलती का इम्कान ज़्यादा होता है, तो आप उससे डिसर्ट हो जाएंगे, मेरे सारे सवाल गलत हो रहे हैं। अगर आप साथ साथ वो सीगे भी ट्राई करेंगे ना जो आपने पहले किए हुए हैं और आपको आसान लग रहे हैं और वो ठीक हो रहे हैं आपसे, तो इससे एक साइकोलॉजिकली तौर पर एक एज मिलता है बंदे को कि देखो मेरे अगर तीन गलत है तो दो सही भी हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। इनको ज़रूर किया करें, जो क्वेश्चन आपने पहले भी हल किए होते हैं उनको दोबारा से किए, जैसे कानू हमने पहले हल किया हुआ है, ठीक है, इस तरह आमनू हमने कई दफ़ा हल किया हुआ है, कुंतुम हमने हल किया हुआ है, ये दोबारा कानू आ रहा है, आमनू एक दफ़ा फिर है, तो इसको हम एक दफ़ा हल ज़रूर करेंगे। इसके अलावा फेले मुजारे, तत्तखिज़ू, अब देखें तत्तखिज़ू आपको किसी की तरह का मुजारे नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है तत्तखिज़ू ना होता तो मुजारे होता, लेकिन हमने पढ़ा है कि हरूफ़ जाजिमा में से एक हरूफ क्या है, इन लम लम्मा लामे अमर और लाए नहीं, लाए नहीं, ऐसा ला जो मुजारे के शुरू में लगता है और वो किसी काम को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है एज एन ऑर्डर, बिल्कुल अमर की तरह, तो उसमें ये नून आखिरी वाला नून अरबी गिर जाता है, ये भी जाजिम होता है। तो फेले मुजारे में जज़म की एक अलामत ये है कि नून अरबी गिर जाता है, इसलिए तत्तखिज़ूना से नून गिर गया तो वाला तत्तखिज़ू हो गया, असल में तत्तखिज़ूना था, ठीक है। फतज़िल्ला है, व तज़ूकू है, ठीक है, ये तज़ूकू से नून क्यों गिरा है ये भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताता हूँ। तश्तरू में भी शुरू में लाम लगा हुआ है, ला, वला तश्तरू, मत ख़रीदो, ठीक है, इश्तरा वैसे बेचने और ख़रीदने दोनों के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। तालमून, यनफद, ये आसान सीखें, ला यजी यन्ना, इसमें देखें शुरू में लामे तकीद और आखिर में नून सकीला लगा हुआ है, तो ये इजरा होगा जो अभी हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था कानून, ठीक है। या मलूना हो गया, फ़लानुही यन्ना हूँ, इसके अंदर भी नून सकीला शुरू में लामे तकीद लगा है। वला नजी यन्ना हूँ में भी बिल्कुल ऐसा ही है, या मलून आसान सीखा है, या तवल्लव ना हूँ आसान है, या तवक्कलून, युनज़िलू, लियुसब्बिता, और या अलमून, ये आसान आसान सीखें, लियुसब्बिता में बस एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी फेले मुजारे के शुरू में हरफ जर आ जाए, जैसे लाम ज़ेर ली है, लेकिन लाम ज़बर ला हो तो उसका तो हमें पता है कि वो ताकीद के लिए आता है, लेकिन लाम ज़ेर ली तो हरफ जर है, और हरफ जर अलामत है इस बात की कि इसके बाद आने वाला इसम है, तो यहाँ तो फेले मुजारे है, तो भाई फेले मुजारे से पहले अगर आपको कभी हरफ जर नज़र आ जाए तो ये बात समझिएगा कि इन दोनों के दरमियान में एक ऐसा लफ्ज़ छुपा हुआ है जो इस फेल को इसम के मीनिंग में कर रहा है, इसीलिए हरफ जर इस पे दाखिल हो गया, नहीं तो हरफ जर इस पे दाखिल नहीं होता, ठीक है। और वो जो चीज़ छुपी हुई है वो क्या है? अन, अन लन कई धन हरूफ नासिबा में से, उसी अन के छुपे होने की वजह से देखें लियुसब्बितू हो गया है, सॉरी लियुसब्बिता हो गया, असल में था युसब्बितू, युसब्बितानी, युसब्बितूना, तो युसब्बितू से इसको जो नसब दिया है, तो नसब देने वाला कोई नासिब होगा तो नसब देगा ना, हरफे जर तो देता है जर, तो यहाँ पे मुजारे को नसब किसने दिया, इसका मतलब कोई नासिब छुपा हुआ है, हरूफ नासिबा में से कुछ चीज़ ऐसी है जो हरफ जर और इस पहले मुजारे के दरमियान में छुपी हुई है, वो क्या है? अन छुपा होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, अन छुपा होता है। तो अन का एक काम जिस तरह नसब देना है, दूसरा काम उसका ये है, ये आप नहब में पढ़ भी लेंगे तफसील से इंशाल्लाह, कि अन जो है माबाद वाले फेले मुजारे को इसम के मीनिंग में कर देता है, तो आप उसको एज अ इसम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पर यह मनसूब इस्तेमाल हुआ है।
और अमर हमारे पास यहाँ पे एक ही था, फस्तईज बिल्लाह मिनश्शैतानिर रजीम। तो इन सब सीखों को इंशाल्लाह ताला हम देखते हैं कि ये सीखे क्या क्या करते हैं। अच्छा, पहला लफ्ज़ है जी सदद, सदद तुम, तो असल था सदद तुम, मुजाफ सुलासी है, सौद दाल दाल हरूफ़ असली हैं इसके, फ़ेले माजी मालूम के, सदद तुम, लेकिन दाल और ता का मखरज चूँकि इंतहाई करीब है, इंतहाई करीब है, बल्कि आपकी किताब में तो ऐसा लिखा होगा शायद कि दाल और ता का मखरज एक ही है, ठीक है, तो इस वजह से इनको इंतहाई कुर्ब की वजह से इदगाम कर दिया जाता है। तो सदद तुम, और इदगाम का मतलब क्या होता है कि पहले वाले हरफ को दूसरे वाले हरफ के अंदर मिला देना, तो दाल को ता के अंदर मिला दिया है, इसलिए दाल बेचारा ऐसे ही बस लिखा हुआ है, पढ़ा नहीं जा रहा, तो सदद तुम पढ़ा जाता है ये, ठीक है। और जमा मुज़क्कर हाज़िर का सीगा है, और सद या सुद्दू ये मुज़ाफ़ के जो होते हैं माजी, चूँकि सदादा है तो सदादा के बजाय सद्दा पढ़ते हैं उसको, चूँकि दो दालों को मिला देते हैं, ठीक है। और इस तरह यसदुदू यनशुरू की तरह, इसको भी हम यसदुदू के बजाय यसुद्दू पढ़ते हैं, तो ये जब मुज़ाफ पढ़ेंगे तो आ जाएगा, बड़ा आसान सा ये खेल है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। तो ये बाब नसरा से है, सद्दुन मजदर है, ठीक है। कुन तुम हमने हमें पता है ये कुल तुम की तरह है, काला या कुलू में जिस तरह कवल तुम कुल तुम बन जाता है, इस तरह कवन तुम कुन तुम बन जाता है, ये हम बड़ी तफसील से दो तीन हफ्ते पहले पढ़ कर आए हैं, ठीक है। तो ये आसान सीखा है, और ये इसका बाब नसरा यम शुरू है, फतह यफ्तहु नहीं है, ठीक है, इसका बाब भी नसरा यन शुरू ही है। आगे आ गया जी साबारा, साबारा साबारू, तो साबारा यसबिरु बाबजारा भाई यजरेबू से सब्रुन मजदर के साथ जमा मुजक्कर गायब का सीखा है, साबारा साबारा साबारू सही है, क्योंकि सात बारह हरूफ असली हैं इसके, ठीक है। कानू बिल्कुल वही चीज़ है, अजबा वही है, तो इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा, यहाँ पे सही लिखा हुआ है कि ये नून है, ठीक है ना, नासरा यन शुरू, ऊपर गलती हो गई थी। अमीला, तो ये सामिया बाब से है, अमीला अमीला अमीलू अमिलत अमिलता अमिलना, आसान सा सीखा है बिल्कुल सही का, और वाहिद मुजक्कर गायब का सीखा है, पहला सीखा गर्दान का, पहले माजी मालूम का, क़रअता ज़रबता की तरह, ठीक है ना, ये किसका सीखा होगा, ये इसमें सामने वाले एक बंदे की तरफ इशारा होता है, आप एक बंदे ने पढ़ा, तो ये वाहिद मुजक्कर हाजिर को बताता है। तो हरूफ इसलिए इसके क़रअ, तो फ़ा ऐन लाम कलमा जो है वो इसका हमज़ा है, तो इसलिए इसको महमूज़ुल लाम कहते हैं, ठीक है। बाब फ़तह यफ्तहु से है, क़रअ यक़रउ फ़तह यफ्तहु, बाब का होने का मतलब ये है कि इसमें फ़तह यफ्तहु ही की तरह इसका माजी और मुज़ारे आएगा, तो क़रअ यक़रउ बनेगा, मज़दर इसका क़िरातुन है, ठीक है। ये अच्छा, ये अब मुझे ऐसे लगता है जैसे आदत अब आप लोगों की ये हो गई है कि आप लोग मेरा इंतज़ार करते हैं कि मैं अगले हफ़्ते इनको हल करूँ, तो आप कहें जी हाँ बस ठीक है ये समझ आ गई। याद रखिएगा, बहुत सख्त नुकसान होता है, ये बहुत गलत अप्रोच है पढ़ने की। मैं ये चीज़ें रिपीट इसलिए करवा रहा होता हूँ कि आप लोगों ने इसको ट्राई किया होगा, तो अगर आप लोगों की कुछ गलतियाँ होंगी, कोई ज़ाहिर बात अब हमारे पास इस तरह कॉपी पेंसिल वाला सिस्टम है नहीं, तो आप लोग अपनी गलतियों को दुरुस्त कर सकेंगे इनका मुआवजना करके, ठीक है। तो इससे कभी भी ये गलत तासुर ना लें कि आपने खुद कुछ नहीं करना, अगले हफ्ते जब इसका रिज़ल्ट आएगा तो बस आप देख लेंगे जी बस ये तो सब कुछ हुआ है, बस ऐसे ही होगा हमारा काम भी, ऐसे काम नहीं चलता है, सख्त नुकसान उठाएंगे पेपर के अंदर, ठीक है। तो अल्लाह से डरें और अपने बुरे रिज़ल्ट से भी डरें। अच्छा जी, बदलना, तो सर्रफना की तरह है, सर्रफा सर्रफा सर्रफू, इस तरह बदला बदला बदलू, तो आखिर में आता है बदल तू बदलना, जमा मुतकल्लिम का सीखा है, और फ़ेले माजी मालूम, और बाद आलाम, तो कोई भी हरफ इल्लत नहीं, कोई हमज़ा नहीं, कोई दो हरफ नहीं है, इसलिए सही है। तो चूँकि बाब तफ़ील है, फ़अला युफ़इलु तफ़ईलन, सर्रफ़ युसर्रिफ़ु तशरीफ़न, बदला युबद्दिलु तब्दीलन, तो इसका मजदर आता है तब्दील, ठीक है। इसी तरह नज़्ज़लहु, ये हु तो आपको पता है ये अलग से ज़मीर लगी हुई है मनसूब मुत्तसिल की, असल में तो फ़ेल जो है वो नज़्ज़ला है, ठीक है। ये मनसूब मुत्तसिल की ज़मीर वो होती है जो फ़ेल के साथ जुड़ी होती है, फ़ेल का हिस्सा नहीं होती। बदलना में ये मरफू मुत्तसिल है, ये फ़ेल का हिस्सा है, ये गर्दान के अंदर आती है, ठीक है।
बदला बदला बदलू और आखिर में बदल तू बदलना, ये ऐसी ज़मीर है जो फ़ाइल बनती है और फ़ाइल मरफू होता है, ठीक है, और ये फ़ेल का हिस्सा है, हिस्सा समझी जाती है, इस वजह से उसको मरफू मुत्तसिल कहते हैं। मरफू इसलिए कि ये फ़ाइल की ज़मीर है। नज़ला फ़ेल है, पहले वाला नज़ला नज़ला नज़लू, तो बिल्कुल पहले वाला हु इसके साथ एज अ मफूल भी ही अटैच हुआ ये जो हु ज़मीर है, तो ये मफूल भी जो कि मनसूब होता है इसलिए इसको मनसूब मुत्तसिल कहते हैं। मुत्तसिल इसलिए कि मिली हुई है और मनसूब इसलिए कि फ़ेल के साथ जुड़ी तो हुई लेकिन फ़ेल का हिस्सा नहीं है, गर्दान में नहीं आती और मफूल भी ही बनती है। तो असल में नज़ला था, तो नज़ला बिल्कुल पहला सीगा नज़ला नज़ला नज़लू वाहिद मुज़क्कर गायब का, नून ज़ा लाम सही है, कोई इसमें हरफ इल्लत नहीं है, कोई हरफ रिपीट भी नहीं हो रहा हरफ असली, ठीक है, इल्ला ये कि बाब की अपनी शद है तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। बाब तफ़ील से है तो नज़ला युनज़िलु तंज़ीलन, जैसे बदला युबद्दिलु तब्दीलन था तो इस तरह नज़ला युनज़िलु तंज़ीलन, ठीक है। अच्छा, आमनु को हमने बहुत दफ़ा हल किया हुआ है कि असल में अमनु था, हमज़ा मीम नून महमूज़ुल्फ़ा, ठीक है, तो अमना अमना अमनु, तो इसको दूसरे वाले हमज़ा को अलिफ़ में बदलना बड़ा आसान लगा, अरबों ने कहा जी वो अमना पढ़ना मुश्किल है, आमना आसान है, उन्होंने कहा जी आमना आमना आमनु हो गया, तो है महमूज़ुल्फ़ा बाब अफ़आल में से, और अमना युमिनु इमानन, इमानन को भी आसानी के लिए ईमानन पढ़ लिया, तो मज़दर ईमान के बजाय ईमान पढ़ा जाता है और हम उर्दू में भी ईमान ही इस्तेमाल करते हैं, असल ईमान है, ठीक है। तो ये आसान आसान कुछ सीखे थे, एक दो के अंदर कुछ जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। फ़ेले मुजारे अमूमन ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं फ़ेले माजी के बजाय, तो फ़ेले मुजारे की लिस्ट काफ़ी लंबी होगी। ला तत्तखिज़ू मैंने आपको बताया था कि ला तत्तखिज़ू ये क्यों इसका नून गिरा हुआ है, क्योंकि शुरू में ला लगा हुआ है, लाए नहीं, तो इन लम लम्मा लामे अमर लाए नहीं, लाए नहीं जाजिम होता है, तो जिनके तो मुजारे की गर्दान में वो सीगे जिनके साथ नून लगा होता है तो वो नून गिर जाती है, सवाए छठे और आठवें सीगे के नून के, क्योंकि वो मबनी होता है, ठीक है। तो ये इत्तखज़ा यत्तखिज़ु इत्तिखाज़न हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, हमने आपको कहा था कि बाब इफ्तिआल के अंदर अगर हमज़ा आ जाए फ़ा कलमे की जगह तो इत्तखज़ा यत्तखिज़ु, ठीक है ना, तो उसी से यत्तखिज़ु से बाद में बनता है तत्तखिज़ु तत्तखिज़ानि तत्तखिज़ूना। तो हमने कानून आपको ये बताया था, कानून अलग से पढ़ाया नहीं था लेकिन कई दफ़ा गुजरा है ये हमारे पास मिसालों में, और इस तरह इजरा करते हुए इसी तरह, ठीक है, जिन्होंने मश्कें हल की उनको ये बिल्कुल आसान लगेगा कि उसको हम ऐसा हमज़ा जो बाब इफ्तिआल में फ़ा कलमे की जगह हो उसको हम ता से बदल देते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, तत्तखिज़ु के बजाय तत्तखिज़ु, तो जो कि दो तत्तखिज़ु, क्योंकि वो हमज़ा वाला हमज़ा भी ता बन गया है, तो हमज़ा जो ता बन गया और बाब की जो ता है इन दोनों को मिला देते हैं तो तत्तखिज़ु बन जाता है, ठीक है, तो ये आसान सीख है, महमूज़ुल्फ़ा है बाब इफ्तिआल से। फ़तज़िल्ला, अच्छा पहले तो ये देखें कि ये इस पर ज़बर क्यों है, एक चीज़ याद रखिएगा, मैं दोबारा ज़रा जाता हूँ यहाँ पर, वला तत्तखिज़ु अयमानकुम दख़लम बैनकुम, जब भी अच्छा कभी ऐसा होता है ऐसा फ़ा जो किसी अमर या नहीं के बाद आता है, ऐसा फ़ा, ये देखिए ये फ़ा है, ये जवाब है किसका, इस नहीं का या अमर का, जी कहते हैं ना कि ऐसा काम करो नहीं तो ये हो जाएगा, ये मैं आपको उर्दू में मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, तो अगर या मैं किसी चीज़ से रोकता हूँ, मिसाल तौर पे मैं कहता हूँ कि भाई दरवाज़ा मत खोलो कि पिटाई लगेगी, तो ये जो मैंने कहा ना कि पिटाई लगेगी, ये जवाब है असल में मैंने जो हुक्म दिया था उसका, कि अगर उस पर अमल करोगे या नहीं करोगे तो ये होगा, तो जो जब जवाब फ़ा से शुरू होता है किसी अमर या नहीं का तो उस फ़ा के बाद अन छुपा होता है, ठीक है, अगर आपने इतना समझ लिया, इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत भी नहीं है कि फ़ा के बाद कभी कभी अन छुपा होता है, कब छुपा होता है नहव में आप तफसील से पढ़ लेंगे, तो चूँकि फ़ा के बाद अन छुपा हुआ है इसलिए यहाँ पर पेश नहीं है ज़बर है, ये मसला तो हल हो गया। अब जो इस फा और इस ज़बर को हम पेश करने के बाद जो हमें फेल मिल रहा है वो है तज़िल्लू, ये तज़िल्लू क्या चीज़ है, असल में देखें मुज़ाफ़ जो होता है ना, मुज़ाफ़
हरूफ असली हैं इसके असल में ज़ा लाम लाम, तो लफ्ज़ है तज़लिलु, ज़लाला यज़लिलु यज़लिलानी यज़लिलूना तज़लिलु। तो ये जो तज़लिलु है ये पढ़ना, अरब कहते हैं मुज़ाफ के अंदर दोनों हरूफ को पढ़ना मुश्किल है, दोनों को मिला के करो शद। तो जब दोनों को मिला के हम करते हैं शद, तो देखें ये लाम दोनों तो मिल जाएंगे, एक बन जाएंगे और उस पर आ जाएगी शद, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ता ज़बर ज़ा तज़, और लाम पे भी शद है और फिर पेश भी है, तो शद में पहली आवाज़ साकिन की होती है, दो साकिन इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपको इधर लिख के बता देता हूँ, ठीक है। ये ता ज़बर ज़ा तज़, एक साकिन ये हो गया ता ज़बर ज़ा तज़ ये वाला, और ये जब दो लाम को मिला के एक लाम कर दिया और उन पे लगा दी हमने शद और फिर पेश भी है, तो शद में पहला साकिन होता है आवाज़, तो एक साकिन ये, दो साकिन इकट्ठे हो गए, ठीक है। तो पहला साकिन अगर मद्दा होता हम इसको उड़ा देते, लेकिन चूँकि पहला साकिन मद्दा नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ज़ेर दे देंगे, या इसकी हरकत जो भी थी उसको यहाँ पहले नकल कर देंगे, आसानी के लिए आप यह समझें, ठीक है। यहाँ चूँकि इसकी अपनी हरकत ज़ेर थी तो हमने वो ज़ेर ही शुरू में ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है। तो क्या बन गया, तज़िल्लु। ये आप मुज़ाफ में डिटेल से पढ़ लेंगे, अभी सिर्फ आपको इतना जानना ज़रूरी है कि असल में था तज़लिलु, लेकिन चूँकि इस दोनों लामों को आपस में मिला देना था और एक लाम बना देना था, तो ये लाम की हरकत ज़ाया चले जाती, ठीक है। तो इस लाम की हरकत को हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये बन गया तज़िल्लु, ठीक है। तो तज़िल्लु तज़िल्लानी तज़िल्लूना, ये इस तरह से इसको पढ़ा जाता है, मुज़ाफ़ सलासी है। बाब ज़रब यज़रिबु से ज़ल्ला यज़िल्लु, मज़दर है इसका ज़लातुन, ठीक है। अगला है काना यकूनु काला यकूलु ताला यतूलु की तरह, बिल्कुल के यकूलु यकूलानी यकूलूना, असल में क्या था यकवुलु यकवुलानी यकवुलूना, तो इस तरह तकवुलु तकवुलानी तकवुलूना, तो यहाँ भी यही है तज़बुकु तज़बुकानी तज़बुकूना, तो जिस तरह तकवुलूना को तकूलूना पढ़ते हैं इस तरह तज़बुकूना को तज़ूकूना पढ़ेंगे, ठीक है। तो लफ्ज़ तो है तज़ूकूना, आपको पता चल गया ये अजवफ़ का है, बिल्कुल काला यकूलू की तरह, बाब नसारा मज़दर इसका आपको लुगत से मिल जाएगा ज़ौकुन, ठीक है। अब जो चीज़ रह गई कि यहाँ नून क्यों इसकी उड़ी हुई है, भाई भाई वो इसलिए उड़ी हुई है कि इसका अतफ़ है तज़ूकू का तज़िल्ला पे, तो चूँकि तज़िल्ला के शुरू में अन छुपा था, तो चूँकि इसका अतफ़ ये वाव के ज़रिए उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो मातूफ़ और मातूफ़ अलैह का एक ही हुक्म होता है, ठीक है। हम कहते हैं ना ये और ये और ये और ये और ये और ये, तो ये जो और लगा रहे हैं दरमियान में, तो इसका मतलब ये और के दाएँ और बाएँ जो दोनों चीज़ें हैं ये एक ही हुक्म में दाखिल हैं, तो चूँकि इस पर अन दाखिल था जिससे उसको नसब दिया था, तो यहाँ भी अन दाखिल है, ठीक है। यहाँ तो नसब देने का तरीका यह था कि पेश को ज़बर कर दिया, लेकिन जहाँ नून अरबी होता है वहाँ हम नून अरबी को गिरा देते हैं, इसलिए हमने नून अरबी को गिरा दिया। अगला है ला तश्तारू, या नून अरबी इसलिए गिरा है जिस जैसा कि तख़ीदू में गिरा था ला की वजह से, ठीक है। तो असल लफ्ज़ था तश्तरीयूना, शरा या हरफ असली है नाकिसियाई है, शरा कहते हैं, तो इश्तरा बाब इफ्तिआल से इसका मज़दर है, ठीक है। तो तश्तरीयूना अरब कहते हैं जी तश्तरीयूना, नहीं ये पढ़ना मुश्किल है, तो तश्तरूना ज़्यादा आसान लगता है, ये या की हरकत शुरू पे नकल कर दी तो तश्तरूना ये ज़्यादा आसान लगता है उन्हें, तो हमने कहा जी ठीक है हम भी ऐसा पढ़ देते हैं, तो तश्तरीयूना से बन गया तश्तरूना, जब ला शुरू में लगा तो ला तश्तरू हो गया, ठीक है। तो आसान है बिल्कुल, नफ़द यनफदू आसान सा सीखा है, फतह यफ्तह की तरह निफाज से है, ये मुझसे गलत हो गया, ये मज़दर मुझसे गलत हो गया, ये आप लुगत में देख लीजिएगा, ठीक है। वाहिम जकर गायब का सीखा है, पहला सीखा है यनफदु यनफदानी यनफदूना यफ्तहु यफ्तहानी यफ्तहूना, ठीक है, आसान सा सीखा है। अब ये जो तीन सीखे आ रहे हैं आगे, ये वाला और सेकंड लास्ट और ये थर्ड लास्ट, इनको हम ज़रा बाद में हल करते हैं। ये वाला जो दरमियान में या मालून है ये ज़रा आसान सा है, तो इसको पहले हल कर देते हैं। तो अमीला या अमलु या अमलानी या अमलूना तमलु तमलानी या अमलना, यह आसान सा है बिल्कुल, अमल से है, ठीक है। इसका मज़दर है समिया बाब है सही, तो आसान सा सीखा फ़ैल मुज़ार मालूम है जब मुज़क्कर गायब का। ये जो तीन सीखे हैं आप इन सीखों के अंदर देखें, एक तो ये फ़ाक तो हटा दें ना, और आखिर में हु भी हटा दें ताकि आपको आसान लगे। लयजीना इसका नून सकीला हटा दें और शुरू में लाम जो है
ताकीद वो हटा दें तो आपके पास फेल आ जाएगा यजज़ियू। तो नुहयियन्नहु में भी लाम और नून हटा दें नून सकीला तो नुहयियू बन जाएगा। नजज़ियन्नहुम में भी ये हम तो अलग से लगा हुआ है असल तो अल्लाह नजज़ियन्ना था तो ये नून सकीला और शुरू में लाम ताकीद हटा दें तो नजज़ियू बन जाएगा। ठीक है तो हमारे पास तीन अफ़ाल आ गए यजज़ियू नजज़ियू और यअमलूना। तो यजज़ियू यजज़ियानी यजज़ियूना और आखिर में अजज़ियू नजज़ियू ये तो एक ही गर्दान के दो सीगे हैं यजज़ियू और या आखिर में नजज़ियू। ये देखें ये दोनों फ़ेल मुज़ारे मालूम के हैं नाके सियाही हैं जज़ाउन इनका मज़दर है बाब ज़राबा है बस फ़र्क ये है कि यजज़ियू गर्दान का पहला सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब का और नजज़ियू आखिरी सीगा जमा मुतकल्लिम का। नुहयियू रह गया देखें नुहयियू किसकी तरह है नुकरिमू की तरह है क्योंकि मुज़ारे के शुरू में पेश है। ठीक है मुज़ारे हरफ सॉरी जिसको हरूफ आतैन कहते हैं अलामत मुज़ारे जो उस पर पेश है तो वो पेश वाले दो ही तीन ही अबवाब हैं हमारे पास। कौन कौन से अबवाब हैं वो जी एक तो बाब इफ़ाल है एक बाब तफ़ील है एक बाब मुफ़ाला है। बाब मुफ़ाला में अलिफ़ ज़्यादा होता है यहाँ कोई अलिफ़ नहीं है। बाब तफ़ील में शद होता है एक लफ्ज़ के ऊपर यहाँ वो भी नहीं है तो रह जाता है बाब इफ़ाल रह जाता है। तो अल्टीमेटली जब तीन में से दो नहीं है तो तीसरा ही बचता है। ठीक है तो अहया युहयी इहया अनफ़हुआ मुहयिन। ठीक है तो अहया से युहयी जिसको हम युहयियू असल है तो पढ़ते युहयी हैं उसी से आखिरी सीगा नुहयी है जमा मुतकल्लिम का। ये नाकिस जाई भी है और मुजाफ सुलासी भी है। ठीक है नुहयियू। ठीक है तो देखें हाया या और इसके हरूफ असली हैं तो आखिर ये मुजाफ इसलिए है कि इसके दो हरूफ एक जैसे हैं और नाकिस इसलिए कि आखिर में या है। ठीक है और मज़े की बात यह है ये लफीफ़े मफरूक भी है सॉरी लफीफ़े मकरून क्योंकि दो ये मैं इसको ठीक करके लिख दूंगा लफीफ़े मकरून क्योंकि दो हरूफ इल्लत इकट्ठे आ गए हैं। ठीक है ना लफीफ़े मफरूक की मिसाल भी आ रही है अगले सफ़े पे यहाँ पे या तवल्ला यूना में वो भी आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है ना अच्छा तो यतवक्कलूना तो बिल्कुल आसान सीगा तवक्कला या तवक्कलु तवक्कुलन फ़ो मुतवक्किलुन। तो पहला सीगा अगर देखें हम मुजारे का तो यतवक्कलु यतवक्कलानी यतवक्कलूना ये जमा मुज़क्कर गायब का सीगा मिसाल बाबी का वाव काफ लाम हरूफ असली है बाब तफ़ाउल से है तवक्कुल इसका मज़दर है और अगला भी बिल्कुल ऐसा है तवल्लयू था असल में तो तवल्लयू तवल्लयू तवल्लयानी तवल्लयूना। ठीक है ये मैंने क्या पढ़ दिया ये मैंने कुछ और ही पढ़ दिया यतवल्लयू यतवल्लयानी यतवल्लयूना। ठीक है तो ये बाबे तफ़ाउल है ये भी ठीक है बिल्कुल उसी तरह है तो यतवल्लयूना को अरब कहते हैं यतवल्लयूना यतवल्लयूना पढ़ना मुश्किल है तो यतवल्लौना पढ़ना हमारे लिए आसान है हु को हटा के देखें तो इसलिए वो यतवल्लौना पढ़ते हैं। ठीक है इस या को हटा के पढ़ते हैं यतवल्लौना। ठीक है असल में यतवल्लयूना था ये। ठीक है ये तो नाकिस पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे नाकिस के अंदर बहुत कुछ हजफ हो रहा होता है यतवल्लौना हम इसको पढ़ते हैं। ये लफीफ़े मफरूक है क्योंकि हरूफ़े असली इसके क्या हैं वाव लाम और या तो ये मिसाल वावी भी है और नाकिस याई भी है तो चूंकि दो हरूफ इल्लत है और अलग अलग है दरमियान में एक और यानी फा और आइन छोड़ के फिर लाम करमा हरफ इल्लत है इसलिए ये लफीफ़े मफरूक कहलाता है। नज़ला युनज़िलु तंज़ीलन फ़ा व मुनज़िलुन तो युनज़िलु बिल्कुल पहला सीगा है वाहिद मुज़क्कर गायब का फ़ेल मुज़ारे मालूम का तंज़ील से यालमून भी आसान है इल्म से पहले भी गुजरा है। सब्बता युसब्बितु तस्बीतन बिल्कुल नज़ला युनज़िलु तंज़ीलन की तरह है। ठीक है बाब तफ़ील का सीगा ये मैं आपको पहले वजह बता चुका हूँ कि यहाँ ज़बर क्यों है क्योंकि लाम के बाद अन छुपा हुआ है असल में ये युसब्बितु ही है। ठीक है एक अमर का सीगा था सिर्फ और सिर्फ एक ही था वो क्या था असल में इस्तावज़ इस्तफ़िल की तरह अलमर मिनहु इस्तफ़िल। ठीक है इस्तफ़िल इस्तफ़िला इस्तफ़िल तो इस्तावज़ आवाज़ा। ठीक है आइन वाव ज़ाल अजवफ वावी लेकिन अरब कहते हैं इस्तावज़ पढ़ने के बजाय जब अजवफ का सीगा हो तो बस उसमें वाव को हजफ कर दें तो इस्तावज़ पढ़ना ज़्यादा आसान है। ठीक है वाव को हजफ कर दें और वाव पे जो हरकत थी ज़ेर ये माँ कबल को दे दें आइन को दे दें तो इस्तावज़ बन जाएगा। ठीक है तो इस्तावज़ पढ़ना उनको ज़्यादा आसान लगता है बाब इस्तफ़ाल था इस्तआज़ा जिसको हम कहते हैं। ठीक है आऊज़ु बिल्लाह पढ़ना है तो तलब किया जा रहा है यहाँ पर।
आसान से। अब एक वो ये कानून है चाहिदा शाहदा, जिसको मैं बहुत हफ्ते से लिखा हुआ है मैंने, लेकिन पढ़ाने का मौके नहीं मिल रहा था क्योंकि दरमियान के अंदर ऐसे टॉपिक्स आ रहे थे जो इससे ज़्यादा ज़रूरी थे, तो इसी वजह से इसको जो है मैं शुरू नहीं कर पाया। लेकिन चूंकि अभी सेमेस्टर का एंड हो रहा है तो इस वजह से मैं इसको एक दफ़ा पढ़ा रहा हूँ। तो शाहिदा शाहदा का कानून क्या कहता है कि देखें, ये पहले अगर इस टेबल को आप समझ जाएंगे ना तो इंशाअल्लाह काम आपका आसान हो जाएगा। भाई अगर कोई सीगा फाइल के वजन पे है और उसमें जो आयन कलमा है, यानी ये जो ये वाला कलमा है आयन वाला, ये हरूफ हल्की है, यानी हा आयन गायन हमजा या हा है, तो आप उस जैसा कि शाहिदा कलमा, अब शाहिदा का वज़न फ़ाइला की तरह है और ये शर्त पाई जा रही है कि हल्की आयन है, यानी आयन कलमा हरूफ हल्की में से कोई हरफ है, तो इस फ़ाइल के वज़न को, यानी शाहिद आखिरी वाला शाहिदा हो शाहिदुन हो कुछ भी हो वो फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने आखिर में हरकत नहीं लिख दी, आप इसको फ़ाइलुन कह लें या फ़ाइला कह लें, ये इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें ये पहले वाले दो देखने, ठीक है। तो आप इस शाहिदा को, यानी इस फ़ाइल को फ़ाल फ़ैल और फ़ैल के वज़न में पढ़ सकते हैं, यानी अगर आप शाहिदा को शाहदा शहदा या शहीदा पढ़ लें तो कोई गलत नहीं होगा, अरबी कवानीन इसकी इजाज़त देते हैं, ठीक है। फ़ाइल का वज़न पे अगर कोई कलमा हो इस तरह के, वो कलमा हल्की उल आइन हो, यानी आइन कलमा उसका रूफ हल्की में से कोई हो, तो इस फ़ाइला के वज़न को आप फ़ाला फ़ैला और फ़ैला भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये एक बात हो गई। अब इस कानून की अगली शिक, ठीक है, अगर यही वज़न फ़ाइल, फ़ाइल का वज़न ये हल्की नहीं, इसका आयन कलमा अगर हुफे हल्की नहीं है, जैसे कतिफ़ उन में फ़ाइल के वज़न पर रहे कतिफ़, और आलिमा में भी आलिम फ़ाइल के वज़न पे है, मैंने पहले कहा कि आखिरी वाले को हम नहीं देख रहे, ठीक है। तो ये देखें, वज़न तो इसका बिल्कुल एक जैसा है, फ़ाइल का वज़न कतिफ़ का वज़न एक जैसा है और आलिम का वज़न भी यही है, तो फ़ाइला हो या फ़ाइलुन हो बात एक ही है, ठीक है। तो अगर वो कलिमा इसम है तो इसको फ़ालुन और फ़ैलुन पढ़ना तब भी जायज़ है, और अगर वो कलिमा फ़ेल है तो उसको फ़ालुन पढ़ना जायज़ है। खुलासे के तौर पे ये पहले तीन का मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ पहले तीन का खुलासा ये है कि फ़ाइला का वज़न या तो हल्की उल ऐन होगा या गैर हल्की उल ऐन होगा, यानी उसका ऐन कलमा या हरूफ हल्की में से कुछ होगा या नहीं होगा। अगर है तो उसको तीन तरह से पढ़ा, मज़ीद तीन तरह से पढ़ा जा सकता है असल के अलावा, और अगर वह हरूफ हल्की नहीं है ऐन कलमा, तो अगर वो इसम है तो उसे मज़ीद दो तरह से पढ़ा जा सकता है, अगर वो फ़ेल है तो उसे सिर्फ एक तरह से मज़ीद पढ़ा जा सकता है बस। तो शाहिदा को तो शाहदा शहदा और शहीदा भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन कतिफ़ुन को कतफ़ुन और कितफ़ुन पढ़ा जा सकता है, और फ़ालुन को सॉरी अलिमा को सिर्फ अलमा पढ़ा जा सकता है, ठीक है। एक चीज़ हो गई। अगली चीज़ देखिए, फ़ोइला का वज़न, अगर फ़ोइला का वज़न है और वो हल्की उल आइन है तो इसको मज़ीद दो तरह से पढ़ा जा सकता है, जैसे उहिदा को उहदा और इहदा पढ़ा जा सकता है, लेकिन अगर फ़ोइला का वज़न गैर हल्की उल आइन है जैसे ज़ुरबा है, देखिए रा हरूफ हल्की में से नहीं है, उसको सिर्फ फ़ोला पढ़ा जा सकता है, यानी ज़ुरबा पढ़ा जा सकता है, इसके अलावा किसी और तरह से नहीं पढ़ा जा सकता। फ़ाउला का वज़न है तो अब उसमें फिर ये शरायत ख़त्म हो गई है, भाई जहाँ भी फ़ाउला का वज़न है आप उसको फ़ाला पढ़ सकते हैं, जैसे आजूदा को अजदा पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस तरह फ़ेला का वज़न जो है इसको आप फ़ेल का वज़न पढ़ सकते हैं, जैसे इबिलुन को आप इबलुन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। फ़ोल को आप फ़ोल पढ़ सकते हैं, जैसे उनकुन को उनकुन पढ़ सकते हैं, इस तरह फ़ोल को फ़ोल पढ़ सकते हैं, उसके उलट बिल्कुल, जैसे कुफलुन को कुफलुन पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये कुछ जवाज़ी पढ़ने के तरीके हैं, ये कुरान मजीद के अलावा आप कहीं भी हदीस में या आप जो है वो किसी भी अरबी इबारत के अंदर इनको अप्लाई कर सकते हैं, कुरान के अंदर तो हम ख़ुद से उनको चेंज नहीं करेंगे, इल्ला ये कि वो किसी और रिवायत में इस तरह आए हों, ठीक है। जैसा कि आप देखें कुरान मजीद में आता है फ़हुआ फ़ी ईशतिर राज़िया,
फाहुआ फाउला का वज़न है, फाउला का वज़न है और फाउला का वज़न है और हल्की उल आइन भी है। तो आप देखें फाउला का वज़न फाउला ये यहाँ पे, तो हल्की उल आइन हो या ना हो फाउला के वज़न को हम फाला पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से वाहुआ को वाहवा और फाहुआ को फाहवा, तो ये मुख्तलिफ किरात के अंदर ये इस्तेमाल हो रहा होता है, इसलिए बाज़ कुर्रा की रिवायत में यह फ़ह वफ़ी ईशत राग़िया है, ठीक है। इसी तरह आपने ये देखा होगा कि वलम यकुल्लहु कुफ अन अहद को वलम यकुल्लहु कुफ अन अहद पढ़ते हैं बाज़ कुर्रा, ठीक है ना, क्योंकि ये फ़ुल को फ़ुल पढ़ना जायज़ है, ठीक है। यहाँ आप देख लें फ़ुल को फ़ुल पढ़ना जायज़ है, तो कुफ़ वन जैसे उनकुन को उनक पढ़ना उनकुन पढ़ना जायज़ है, ऐसा कुफ़ वन को कुफ अन पढ़ना भी जायज़ है। लेकिन ये आम अरबी इबारत के अंदर तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह अहदीस के अंदर भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप कुरान की आयत के अंदर ये अल्ट्रेशन नहीं करेंगे, इल्ला ये कि किसी कारी की रिवायत के अंदर हो, जैसे बाज़ कुर्रा ने इसको ऐसे पढ़ा है तो आप जब उस कारी की रिवायत पढ़ रहे हैं तो आप उसको पढ़ सकते हैं। इस तरह कुफ़ अन को बाज़ लोगों ने कुफ अन पढ़ा है, कुफ़ वन को कुफ़ अन पढ़ा है और किसी ने कुफ अन पढ़ा है, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं अगर आप उस कारी की रिवायत सीखे हुए हैं और आपने आपको कवानीन का पता है, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा हम ख़ुद से चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये कवानीन हर जगह तो नहीं लगे होते ना, ठीक है ना, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो ये एक बड़ा आसान सा कानून था और कुछ ज़्यादा एप्लीकेशन इसकी इतनी ज़्यादा नहीं थी, मीनिंग पे इतना बड़ा फ़र्क नहीं डालता था कि कोई नए सीगे इससे बन रहे हो, तो इस वजह से इसको सिर्फ इंफॉर्मेशन की हद तक रखें। और अब इस सेमेस्टर के अंदर हमने जो पढ़ा है, ना पढ़ते पढ़ते भी अल्लाह के फजल से हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, तो ये वो तकरीबन 16 कवानीन है, 17 कवानीन है, 17 जो हमने इस सेमेस्टर में पढ़े हैं, ठीक है, ये सारे के सारे। अब आप देख लें आपके पास सिर्फ 3 हफ़्ते हैं एग्ज़ाम के लिए, इन 3 हफ़्तों में अगर आप हर रोज़, तो अगर देखें 3 7 20 और ये कवानीन है तकरीबन 17, तो हर रोज़ आपको 1 या 2 कवानीन पढ़ना ज़रूरी है और उनकी मशक करना और उनके बारे में अगर कोई मुश्किल है तो पूछना ज़रूरी है। ये सारे कवानीन हमने पढ़े हैं, ठीक है। कुछ कवानीन तो छोटे हैं, वो एक ही दिन में 2-3 भी हो जाएंगे, लेकिन कुछ कवानीन बड़े हो सकते हैं, आपको उनको रिवाइज़ करने में 2 दिन लगे, ठीक है। तो इसको इन सारे चीज़ों को देख लीजिएगा। ये वो टॉपिक है जो हमने इस सेमेस्टर के अंदर पढ़े हैं, ये वो टॉपिक है जो हमने पिछले सेमेस्टर में तो बहुत सारे टॉपिक पढ़े थे, उनमें से इतने टॉपिक हमने दोहरा लिए हैं, ठीक है, इन्हीं स्लाइड्स के अंदर। हफ्त अकसाम, शश अकसाम क्या होती हैं, सलासी मुजरद के अबवाब, सलासी मजीद फ़ी के अबवाब, फ़ेले माजी मालूम, फ़ेले मुज़ारे मालूम, फ़ेले अमर हाज़िर मालूम, इनके अभी हमने मजहूल नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, ये चीज़ें। इसके अलावा हमने ये गर्दानें भी इसी सेमेस्टर के अंदर, शुरू से मैंने आपको कुछ गर्दानें देता हूँ हर हफ्ते लिखने के लिए, तो उनमें फ़ेले माजी मजहूल और मालूम दोनों की गर्दानें थी, फ़ेले मुज़ारे मालूम मजहूल दोनों की गर्दानें थी, फ़ेले अमर हाज़िर मालूम की गर्दान थी, इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ूल की भी थी, बल्कि इसमें ज़र्फ़ और इसमें आला की भी थी, मैंने स्लाइड्स देखी आज, लेकिन चूंकि वो हर हफ्ते नहीं हुई इसलिए उनको मैं शामिल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपने इम्तिहान की तैयारी के लिए क्या करना है कि ये कुछ इस हफ्ते की मशक दे रहा हूँ, इसको आप देख लीजिए तो इंशाल्लाह ताला काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। एक तो आपने ये करना है कि ये 2 मसादिर मैंने आपको दिए हैं, थुकलन और तशदीखन, आपने करना ये है कि इनसे फ़ेले मुज़ारे की गर्दान लिखनी है नूने सकीला लगा कर, मौक़द बनूने सकीला, ठीक है। तो अब साकीला यस कालू है, साकूला यस कुलू है, साकाला यस किलू है, साकाला यस कुलू है, कौन सा अबवाब है, तो ये आपको खुद लुगत से देखना है, ठीक है, ताकि आप इसके सही मुज़ारे ढूंढ कर उसके ऊपर नूने सकीला से इसको मौक़द कर सकें। और तशदीक तो बाब तफ़ील का मजदर है, शद्दख युशद्दिख तशदीखन, ये तो इसका तो मुज़ारे फिक्स पैटर्न पे है, ठीक है, शद्दख युशद्दिख, तो आपने युशद्दिख के साथ ही नूने सकीला लगाना है, वो बाकी तरीका उसका सेम है। ये 2 गर्दानें आपने लिखनी है, ठीक है। इसके अलावा आपने इन्हीं से, इन्हीं मसादर से अमर हाजिर मालूम की सादा गर्दान लिखनी है, नूने सकीला नहीं लगाना है, ठीक है ना। अमर का सीगा आपने जो 6 सीगे हैं अमर हाजिर मालूम के, सुकलन से भी लिखने हैं और तशदीकन से भी लिखने हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने जो काम करना है वो क्या है कि आपको कवानीन भी दोहराने हैं,
तो कवानीन दोहराने के लिए आप ज़ाहिर बात है उसको पढ़ेंगे नहीं, एक दफ़ा हाथ से लिखेंगे नहीं, तो इम्तिहान में अगर आ गया केरी अंतुम ज़रब तुम वाला कानून लिखें, तो अगर आपको कानून ही पता नहीं है तो आप उसको लिखेंगे कैसे? तो इसलिए आपको एक दफ़ा वो कवानीन लिख लें अपने हाथों से, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा हो जाएगा। देखिए अब आपके पास वक्त नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि आप कहें जी बाद में कर लेंगे, 2-3 हफ़्ते हैं और कवानीन बहुत ज़्यादा हैं। तो ज़रबतुम का कानून और जमा अक्सा का कानून, इसको आपने मुकम्मल पूरे कानून को लिखना है एक दफ़ा। उस लिखने से आपकी एक अच्छी खासी मश्क हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि साइंस भी यही कहती है, न्यूरोसाइंटिस्ट यही कहते हैं कि आपकी पढ़ने की सलाहियत, आपके समझने की सलाहियत, आपके मेंटल चंक्स स्ट्रांग हो जाते हैं अगर आप पढ़ने के साथ साथ उसको हाथ से लिखें भी, ठीक है ना। तो इसलिए ये आपको फ़ायदा देगा इंशाल्लाह ताला। और चौथा काम जो आपने ये करना है कि जो हम हर हफ्ते करते हैं, अगले सफ़े पे कुरान की आयत कुछ आयात दी हुई हैं, आपने मंदरजा ज़ैल नमूने के मुताबिक से ये हल करने हैं। हफ्त अकसाम का कॉलम मैंने ऐड किया है, ठीक है, इस हफ़्ते मैंने चूँकि वो भी अपने उसके अंदर भी ऐड किया था, तो आप लोगों ने भी उसको करना है, वो ये है सारा, ठीक है। ये तकरीबन 10 आयात हैं, ठीक है, इनके अंदर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला, अच्छे खासे सीधे मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो किसी किस्म की मुश्किल हो तो इस हिदायत पे अमल करें, ठीक है, उस्ताद से फौरी रब्ता फरमाएं, ठीक है, ये काम ज़रूर करें, ठीक है ना, नहीं तो आपको इम्तिहान में काफ़ी मुश्किल हो सकती है, ठीक है ना। या तो ये कि इम्तिहान की कोई इतनी फिक्र ही नहीं है, ये पास हो जाए ना हो जाए, इसकी कौन सी डिग्री है, कौन सा इसका कोई पूछता है, तो ये एक अप्रोच होती है बस तालिब इल्मों की। और बस तालिब इल्मों की ये होती है कि जी और कुछ ना हो, सिर्फ ये है कि मेरा अपना ज़िया हो रहा है, तो मुझे इम्तिहान हो या ना हो मुझे ये चीज़ सीखनी है, तो ये एक बड़ी अच्छी अप्रोच है। दरमियानी अप्रोच ये है कि जी चलो इम्तिहान है तो इम्तिहान में नंबर कम ना आ जाए जी, ये चीज़ ना हो जाए, वो चीज़ ना हो जाए, तो चलो हम बड़े स्टूडेंट हैं तो बेइज्जती भी होती है थोड़ी सी, तो इसको जो है ना हल करना है, तो चलो ये भी इस दर्जे में काबिल कबूल है। लेकिन ये रवैया कि जी बस देखी जाएगी कौन सा इसमें कोई इतने ज़्यादा नंबर हैं जो हमारे कैरियर पे मुतासिर होंगे या ये होंगे, तो ये सोच काबिल कबूल नहीं होती है, ठीक है ना। तो इस मश्क को कीजिए और किसी किस्म का मुश्किल हो मैं हाज़िर हूँ, मुझसे सवाल करें। मैं तो कहता हूँ मेरे पास सवाल करने मुझे जवाब देने के लिए कोई बंदा नहीं मिलता है, तो मैं क्या करूँ उसका, ठीक है ना। तो आप लोग अपने पढ़ने लिखने का थोड़ा शौक़ पैदा करें, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करें। याद रखिएगा मैं कभी ये नहीं कहता कि आपके घर के काम नहीं होंगे, आपके ऑफिस के काम नहीं होंगे, लेकिन आपके पास लाइफ में कुछ प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। अगर आपने इस काम को थोड़ी प्रायोरिटी दी है और इसको सेलेक्ट किया है, इसमें कदम रखा है, तो आपको इसको वक्त हज़ार मसरूफियत के बावजूद थोड़ी नींद कुर्बान करके भी देना पड़ेगा आपको, तब कहीं जाके आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला। तो उम्मीद है कि इस हफ़्ते से कुछ ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आप लोगों की तरफ से आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। अल्लाह आप लोगों को खुश रखें, जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।